जब आप मार्केट में वीकनेस एक्सपेक्ट करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? स्टॉक को शॉर्ट सेल करना ही ना। पर अगर हम आपको कहें कि आपके पास इससे भी एक बेटर ऑप्शन है, तो इन फैक्ट इस ऑप्शन से आपका रिस्क तो लिमिटेड रहेगा ही, पर साथ ही आपके रिवॉर्ड की पोटेंशियल भी अनलिमिटेड हो जाएगी। क्या आप मान पाओगे ये ऑप्शन? हाय, आई एम ऋषभ शर्मा, दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। Here you will learn skills that will help you to navigate your stock market journey. Hello दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं put options के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होते हैं put options, कौन से अलग-अलग तरीके हैं put option को use करने के लिए। put option के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को end तक जरूर देखें। A put option gives a trader the right but not an obligation to go short on the underlying stock, and that is without actually selling the stock. Now, let's assume कि आप एक investor हो। जब भी आप अपने portfolio का drawdown expect करते हो, तो अपने stocks बेचने के बजाय आप put option buy कर सकते हो एक balanced hedge बनाने के लिए। एक example ले लेते हैं। Let's imagine कि आपके पास Infosys के 100 shares हैं, and you expect the stock price to fall. अब आप एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहां पर हमने एक 1500 की स्ट्राइक प्राइस का ओटीएम पुट बाय किया है 20 रुपीस में। आने वाले कुछ ही दिनों में इंफोसिस गिरता है और आपका 20 रुपीस का ओटीएम पुट अब जा चुका है 66 पर। मतलब आपकी 12,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट पर आपको 27,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। शॉर्ट सेलिंग में आपको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स इंप्लीकेशंस ड्यू टू फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग, एंड द रिस्क इज ऑल्सो अनलिमिटेड। दिस इज वाई बाइंग पुट ऑप्शन इज बेटर देन शॉर्ट सेलिंग। अब अपन सीखेंगे पुट ऑप्शन राइटिंग और नेकेड पुट ऑप्शन के बारे में। टेक्निकली हर पुट बायर को एक पुट सेलर लगता ही है उसके अगेंस्ट ट्रेड लेने के लिए। पुट ऑप्शन राइटर्स जब अंडरलाइंग स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है तब पैसा कमाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेकेड पुट ऑप्शन। जब एक इन्वेस्टर पुट को बेचता है बिना कोई अंडरलाइंग सिक्योरिटी ओन किए, तब उसे नेकेड पुट ऑप्शन बोला जाता है। इसे अनकवर्ड या शॉर्ट पुट भी बोला जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। टेल अस व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.